हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल विवेक पांड्या अकेडमी पर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू नरसी मोजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में आपको नरसी मोजी कॉलेज के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ। यहाँ पर प्लेसमेंट कैसे मिलते हैं, यहाँ पर कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, एडमिशन प्रोसेस कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है कि नहीं, सारी डिटेल आपको इस एक वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आपको जाना है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, MU के वेबसाइट पर। वहाँ पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, जिस भी कोर्सेज में आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म मुंबई यूनिवर्सिटी का कम्प्लीट हो जाता है। फिर आपको जाना है कॉलेज की वेबसाइट पर। वहाँ पर 100 रुपीज़ का कॉलेज का अलग से फॉर्म भरना होता है, जिस भी कोर्सेज के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप दो कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे इसी एक कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में, तो आपका 200 लगेगा। जितने कोर्सेज में आप अप्लाई करेंगे, जितने कॉलेज में करेंगे, वो उतना आपका 100 रुपीज़ एक फॉर्म का जाएगा। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। फिर जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपको उसके बाद फीस वगैरह भर के एडमिशन ले लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ अब फैकल्टीज़ के बारे में। तो नरसी मोजी कॉलेज के जो फैकल्टीज़ है वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने PhD कर रखा है, कुछ प्रोफेसर्स मास्टर क्वालिफाइड हैं, कुछ नेट क्वालिफाइड भी हैं। बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो फैकल्टीज़ को लेकर आपको थ्रू आउट द डिग्री कोई भी इशू नहीं होने वाला है। फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे हैं नरसिंह मोजी कॉलेज के। एक दो प्रोफेसर्स तो हर कॉलेज में थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट रहते ही हैं, वैसा ही इस कॉलेज में भी है, और बाकी फैकल्टीज़ बहुत सारे अच्छे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो कॉलेज के कैंपस के अंदर, कैंपस बहुत बड़ा है लेकिन कॉलेज के कैंपस के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, पर कॉलेज के आसपास आपको रूम अपार्टमेंट वगैरह PG वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस के आसपास मिलते हैं मुंबई में, या फिर जिस भी सिटी, किसी भी सिटी की आप बात करेंगे, कोई अच्छा कॉलेज रहता है तो उसके आसपास अगर हॉस्टल नहीं होता है तो PG वगैरह बहुत ही आराम से आपको मिल जाते हैं। तो रहने के लिए अगर कोई मुंबई के बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो PG वगैरह जब आपका ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तब आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा कॉलेज के आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर ही, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगा आपका हॉस्टल कॉलेज से। पर कॉलेज के कैंपस के अंदर खुद का कोई हॉस्टल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कोर्सेज अवेलेबल इन दिस कॉलेज। तो यहाँ पर BCom अवेलेबल है, MCom अवेलेबल है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS अवेलेबल है, और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, BSc यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो 5-6 कोर्सेज मैंने बताए ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको बता दिया कोर्सेज के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ अटेंडेंस यहाँ पर कंपलसरी है कि नहीं। तो जो भी कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं रेगुलर कॉलेजेस, वहाँ पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। तो वैसा ही इस कॉलेज में भी है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते हैं हमसे कि यहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी है कि नहीं। तो कॉलेज भी इसमें, सारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, पर अगर आपका कोई स्ट्रांग रीज़न होगा तो आपका थोड़ा बहुत अटेंडेंस कम रहता है तो चल जाता है। पर अगर आप कोई भी फालतू रीज़न की वजह से पूरे साल ही कॉलेज नहीं जाएंगे या बहुत कम कॉलेज जाएंगे तो आपको शायद एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाए, तो इसलिए आपको अटेंडेंस आपका मेंटेन करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट के बारे में। तो ये जो कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉलेज है, कॉमर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यहाँ पर जो भी कॉमर्स में कोर्सेज हैं उसमें बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं। यहाँ तक कि 15 लाख तक के हाईएस्ट प्लेसमेंट जाते हैं, 3-4 लाख तक के एवरेज प्लेसमेंट आसपास में जाते हैं, 3 लाख तक जाता है एवरेज में, कभी 4 लाख तक जाता है। तो प्लेसमेंट का ऐसा है, पर जो BSc IT और जो बाकी कोर्सेज होते हैं उनमें थोड़ा प्लेसमेंट कम रहता है, और बाकी ठीक ठाक कॉलेज है और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है कॉमर्स के कोर्सेज में, और बाकी कोर्सेज में प्लेसमेंट थोड़ा कम होता है। कॉमर्स के कोर्सेज में 50-60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है हर साल कॉलेज से। तो ये कॉलेज ही बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर स्टूडेंट से रिलेटेड कॉलेज रिव्यू और बहुत सारे वीडियोस आगे चल के फ्यूचर में आने वाले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में।